हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पोरू 99 और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पोरू 99 X2 पे। और आज हम वापस खेलने वाले हैं कंट्रोल, ये है पार्ट 5 उसका। आई होप आपको सीरीज में मज़ा आ रहा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। हमने लास्ट पार्ट में कंप्लीट किए थे एक सेगमेंट, आधा घंटा का सेगमेंट किया था, जो कि था हम मार्शल को ढूंढने गए थे रिसर्च सेक्टर और समथिंग में। तो वहाँ पे हमने मार्शल से बात करी, उसने बोला ये करके दो, और जब तक हम मार्शल के पास पहुँचे थे ऑलरेडी आधा घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे एंड कर दी थी। तो हम वहीं से रिज्यूम करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं आखिरी पार्ट आई बटन पे और हम चलिए वहीं से रिज्यूम करें। ओके, यहाँ से हमने मार्शल से बात करी थी और आई गेस हमें यहाँ जाना है, जो कि या तो यहाँ जाना है। ओके, यहाँ पे लाल है, लाल का मतलब हमेशा एनिमीज होते हैं। I see rangers over there. We have to help them. ये गन अच्छी तो है बट एट द सेम टाइम बुरी भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है और ज़्यादा बैटरी खाएगी तो उसका मतलब है कम गोली चलेंगी। अरे यार, ये इतना बड़ा आ गया, मैं उस पर एम ही नहीं लगा पाया। हाँ, ये मैंने जानबूझ के बताने की वेट कर रहा था मैं किसी चीज़ का, वो मुझे खुद को नहीं पता मैं किस चीज़ का वेट कर रहा था। मेरे पास 17,000 कॉइन है लेकिन पता नहीं मैं कौन से ज़माने में यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को एक वेपन क्राफ्ट करना था, वो मेरे को नहीं पता मैं किस रीज़न से क्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अभी तक मेरे को नहीं पता है। अरे यार, जल्दी रीलोड हो जा। हेड ग्लिच करने का मज़ा ही अलग है इस गेम में। जैसे अनचार्टेड में अगर आप लोगों ने क्रैशिंग पे खेला होगा ना, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या कहते हैं, क्रैशिंग पे हेड ग्लिच, अनचार्टेड 1 में क्रैशिंग पे हेड ग्लिच करके मारना पड़ता था, नहीं तो भाई वो तो एक या दो गोली में ही ख़त्म कर देते थे। तो वही हिसाब है, मतलब करीब करीब वो हिसाब नहीं है, लेकिन इसमें क्या हेल्थ ऑर्डर रीजनरेट नहीं है, उसमें तो थी तब भी। हाँ, तो इसलिए बात ये पड़ रही है कि क्या कहते हैं, मेरे को पूरा कवर लेके मारना पड़ रहा है। मेरे पे गोली नहीं चलाने का। अरे रेंजर है किधर? ये रेंजर नहीं, ये रेंजर नहीं है। अच्छा, ये रहा रेंजर, इस पे वो लाइट दिख रही मुझे। तो वहाँ से निकल लिया, मुझे पता था ये ऐसे फटेंगे, तो सच्चा निकल ही जाऊँ वहाँ से। एक सेकंड, इसकी हेल्थ ऑर्डर रीजनरेट हो रही है क्या? क्योंकि जब मैंने देखा था लास्ट बार तो इसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम थी। चलो ये पॉइंट क्लींस करें। क्या? अच्छा, चल ये टब भी ठीक है। वो एक पथरीली चीज़ है ना, क्या कहते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी, वो बहुत ही गंदी लगती है, मैं सच बता रहा हूँ। इसका ये आर्मर है, पत्थरों का आर्मर है इसके पास। ओके, जब ये बताओ शूट कर रहा हो तब मार सकते हैं इसको, वैसे काम नहीं आएगा मारना, ये एकदम से स्लो मोशन हो जाएगा गेम। आ बेटा कर कर, अरे शूट करना, तेरे शूट की वेट कर रहा हूँ। ये देखो ऐसे ही कर कर के मरेगा, क्योंकि इसका जो आर्मर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने उसको लात ही मार दी भाई, हम लात मारेंगे ना वो हमें उल्टा मुक्का मारेगा और हम वहीं ख़त्म हो जाएंगे, देख तो मुझे पता है।
अरे कुछ तो ये शील्ड हटाना जरा अपनी काका जी, बहुत ही बढ़िया। अब नहीं क्यों यार, किसी और को क्यों स्पॉन करना है, मेरी पूरी हेल्थ है यार, अब वो लोग उड़ा देंगे, ये काका जी नहीं उड़ाएंगे तो। देखा ये उसके ध्यान में मेरा ये बच गया, नहीं तो इतनी देर से मैं कितना शांति से खेल रहा था उसके काका जी के साथ। अच्छा मैं वो भी नहीं कर सकता ना क्योंकि वो मेरी पावर दोनों कनेक्शन है, दोनों पावरों का। हाँ वो तो बच जाता ना वापस हेल्थ उड़ जाती मेरी अच्छी खासी। अरे यार इनको बड़ी वो मच रही है ना, चल जो आए जा रहे हैं मेरे पास, शांति रखना ही नहीं है बिल्कुल भी इन्हें। अरे भाई साहब जैसे ही मैं आऊँगा ना इस गेम में वैसे ही ये शील्ड हटाएगा, और जैसे ही मैं जाऊँगा ना वैसे ही ये शील्ड वो कर लेगा। चलो ये तो गया, अब इन बच्चा पार्टी को मारते हैं। हाँ मेरी हेल्थ तो पहले मेरे को फुल करके। हाँ वो बंदा जिंदा बचा भी है जो हमारे साथ था या वो मर गया? ये क्या है ये फुल? ओके ये फुल है तो किसी को उड़ा देते हैं, क्या जा रहा है? जो कॉमन वाले हैं ना सबको उड़ा देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है? डीकंस्ट्रक्ट एक सेकेंड, अगर इसका कोई मेरे पास वो है एक सेकेंड। हाँ ये मैं एक बार ये रखना मैं पसंद करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा हेल्थ देगा मुझे जल्दी। वैसे नहीं यार 20% ज़्यादा अच्छी चीज़ है, 25% उल्टा वो ज़्यादा अच्छा है। ये हेल्थ वाले अभी मैं रख लेता हूँ कॉमन में, हेल्थ रिकवरी ये भी रख लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है जब वो पड़ा है तो। सत्ताईस परसेंट का पड़ा है तो मैं इस पर क्यों ध्यान दूंगा। अरे अब बस यार उठा ही लेता हूँ। वेपन मॉड, वेपन के कौन कौन से मॉड आ गए? ये क्या है? ओ ये सही है भाई, ये बड़ी सही चीज़ है, लेकिन मैं शैटर पे यूज़ भी नहीं करने वाला। हाँ छोड़ा यार अभी रहने दो, जैसा है हमारा वैसे ही रहने दो। अब पहले इसको सही करो, ये सारी चीज़ें वापस जाएंगी मेरे हिसाब से। हाँ फिर कुछ है क्या मेरे पास? पॉइंट वॉइंट आए हैं क्या? हाँ नहीं वो तो पहले के पड़े हैं ना, वो तो मैं डायरेक्ट ये वाला अपग्रेड करने वाला हूँ ना। हाँ अभी तब देखते हैं। कलेक्ट रिवॉर्ड, ये रख लो। चार्ज मोड, ये भी रख लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। टू वर्ड्स, अब ये मुझे कोई बताएगा मेरे को लेफ्ट जाना है राइट जाना है? यहाँ तो रास्ता बंद है तो ऑब्वियस सी बात है सारी जगह देख लेते हैं रास्ता बंद बंद है। इधर से कलेक्टेबल उठाओ, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them.
and most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Or taken over by the hiss. Okay, मेरे को लगा हाँ मेरे को लग रहा था ये करना है लेकिन एक थिंग क्या है अरे यार अरे रीसेट करो कोई इसको ये तो हो गया बना एक सेकेंड इधर एक जा देखो ये मेरे करने का इरादा तो नहीं था मेरे को लगा कुछ और करना और पड़ेगा मुझे वो हो गया तुक्के में मेरे को बस इतना पता था ऐसा बनाना है इतना बनाना है इतना मुझे पता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था एक बार मैं डाउन दबाऊंगा तो वो हो ही जाएगा ऐसा लक बाय चांस टाइप ऑफ थिंग हो गई ये अगर यहाँ ये चीज़ है तो उधर की चीज़ का रास्ता है देखते हैं इसको करके फिर पता चल जाएगा है इसको कोड पता है कौन सा कोड है It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. ओके सारे कार्ड उठाने हैं मेरे को बस एक चीज़ कोई समझा दो कार्ड तो चलो मैं उठा भी लूँगा लेकिन इनको किस ऑर्डर में रखना है क्योंकि देखो मशीन खूब सारी हैं ये देखो वन टू थ्री फोर ओ ये क्या है फीडबैक कोऑप टू पावर फॉर आर डायमेंशन फीडबैक लूप एक कार्ड मिसिंग है बात ही है हैव यू चेक्ड द अपर फ्लोर अपर फ्लोर में लग ही रहा था वो रास्ता किसी न किसी चीज को तो लेके जाएगा अब वो मुझे एक तो वो साला समझ में आने नहीं वाला और लिखी अलग भाषा है इस बंदे ने अभी तक अलग लिखा है रे चाहता क्या है ये प्राणी मेरा पूरा दिमाग ये गेम आज मतलब ये दिमाग बड़ा ये गेम बड़ा दिमाग खाता है रे यार कैन वी अफेक्ट दिस कॉन्फ़िगरेशन अरे वो तो ठीक है लेकिन कौन से वाले पे कौन सा लगेगा ये कैसे पता चलेगा ओ मैन आई गॉट दैट मैंने कर लिया आवाज़ आई है मेरे को लग रहा है मैंने कर दिया अब मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको चालू करने से पहले जैसे आप ये वाला देखो आम मार्कर से ही समझ में आ रहा होगा ये पहला वाला है ये दूसरा वाला है ये तीसरा वाला है यहाँ पे देखो ये लिखा है ये मतलब ये जो डार्क वाला है ये जो डार्क वाला है ये इसमें लगा है टू में ये थ्री में लगा है ये लाइट वाला और ये जो फिफ्थ में है ये टोटली रैंडम था क्योंकि जब मैं ऊपर गया तो मैंने एक बार इसको ढंग से सोचा तो यहाँ फर्स्ट का ऑर्डर लिखा है और फोर्थ का ऑर्डर लिखा है और यहाँ लिखे है कॉन्फ़िगरेशन
तो मैंने ये सोचा ये एक बार ये ऐसे लगा के देखते हैं, और काम हो गया। इसमें मैंने ये वाला लगा रखा है, बॉक्स वाला, जो ये इधर फोर्थ पे बना है, क्योंकि इस मशीन का नंबर है 4, और जो मैंने फर्स्ट पे लगाया वो फर्स्ट पे बना है उधर, और ये आवाज़ हो गई। तो मेरे हिसाब से ये मेरा काम हो गया, इसलिए मैंने एक बार कट मार दिया होगा इधर उधर कहीं, और इसलिए क्योंकि दिमाग खा रहा था ये गेम मेरा। ये बहुत दिमागदार वाले के लिए गेम है आंटी, अनलेस आप अगर वॉक थ्रू देख रहे हो। ये हमारे पावर जैसा क्यों फीलिंग आ रही है उसमें मेरे को? Prism shatter. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. We need more Black Rock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Black Rock processing site and maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan will have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this key card. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us. And keeping us from being wiped out. ये फिर अटका, मिशन कंप्लीट हुआ ना और ये अटका। इसकी बीमारी कभी नहीं जा सकती है, इसकी बीमारी कभी नहीं जा सकती है। Here, this will lead back to central research. ये मेरे को दो ट्रॉफी मिली। मैं ट्रॉफा बोल रहा था जानबूझ के, लेकिन मैं सोचा छोड़ो यार। लेकिन हाँ, मेरे को दो ट्रॉफी मिली। एक बार मुझे देखना है मेरे को दो ट्रॉफी किस चीज़ की मिली। एक का तो मुझे तब भी लॉजिक समझ आ रहा है, ये ओल्ड बॉय वाला, लेकिन दूसरे की चीज की मिली है भाई मुझे। ओ, ये साला मिशन कंप्लीट होने के बाद कलेक्टेबल की ट्रॉफी देते हैं, मैंने नोटिस करा है। ये वैसे नहीं दे, पहले नहीं दे देंगे जैसे कलेक्टेबल कर लोगे, जब मिशन कंप्लीट होगा उसके बाद देंगे। लेकिन फिर अगर किसी ने फ्री टू प्ले टाइप ऑफ मतलब उससे पहले कंप्लीट कर लिया तो उसका क्या होगा भाई? ये देखो फ्रेम ड्रॉप इसकी। ये कहाँ आ गए? ओ तेरी, ये तो हम डायरेक्ट ऊपर ही आ गए। यहाँ पे मैंने कहीं क्लेंस वगैरह कर रखा होगा, या मुझे सेक्टर एलिवेटर से ही जाना पड़ेगा। हाँ, मेरे को वही लग रहा है। मैं ऐसा करूँगा, मैं एक चेक पॉइंट तक कर लूँगा, उसके बाद जैसे ही सेव का ऑप्शन आएगा वैसे ही क्या कहते हैं, कौन से वाले में, सेंट्रल मेंटेनेंस, इसमें आना चाहिए वैसे।
मैं एक चेक पॉइंट तक कर लूँगा, उसके बाद मैं क्या कहते हैं एंड कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं बनानी मुझे वीडियो, और जहाँ तक अभी बीच में 7-8 मिनट का कट होगा या 5-6 मिनट का एटलीस्ट, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो मैं 40 मिनट्स के अलावा आसपास सोच रहा हूँ। अरे मैं एंड कर देता हूँ। अगर something about Dylan. Is he here? Is he all right? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan. Once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं पहले वीडियो एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये पहली 35 हो रखा है, तो अगर 5 मिनट भी कट हुए तो 30 तक हो जाएगा, तो एंड ही करना ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, पता नहीं कितने देर बाद चेक पॉइंट आया कुछ आएगा, और मिशन अभी एंड हुआ है तो अच्छी खासी जगह है एंड करने की। तो मैं तो अभी एक और पार्ट रिकॉर्ड कर लूँगा जैसे मैं जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। बट अगर आप सबको मज़ा आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। 499X2 आउट।